हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। रोहतक सीट से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने 9 मई यानी नामांकन वापसी की आखिरी तारीख को अपना नाम वापस ले लिया। अब रोहतक सीट पर चुनाव मैदान में 26 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। आज विड्रॉल की डेट थी और उसके बाद सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया हुई। टोटल हमारे 27 वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे, जिसमें से आज एक कैंडिडेट राजेश जो बीएसपी के हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। उसके पश्चात हमारे पास कुल 26 कैंडिडेट्स हैं। सो जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो है वो आज फाइनलाइज हो गई। इसके बाद आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो इन कमिंग डेज एज पर शेड्यूल की जाएंगी, जिसमें हमारी बैलेट पेपर प्रिपरेशन है, उसके बाद हमारे ईवीएम की प्रिपरेशन है वो सारी की जाएंगी, इलेक्टर रोल प्रिंट होके हमारे पास अभी एक दो दिन में आ जाएंगे जी। तो फाइनल कितने वोटर्स हैं, कुछ आंकड़ा दे पाएंगे? फाइनल वोटर्स जो हमारे जो टोटल पीसी का नंबर जो मैं आपको पूरा अभी दे दूंगा, और जो हमारे टोटल बूथ अगर मैं जिले की बात करूँ तो 814 हमारे टोटल बूथ। लोकसभा का है, लोकसभा में कितने टोटल? शुरू में 40 कैंडिडेटों ने टोटल 40 नॉमिनेशन फॉर्म्स हमारे पास आए थे, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स ने मल्टीपल फॉर्म्स दिए थे एंड कुछ जो फॉर्म्स थे वो मेन कैंडिडेट के साथ सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट्स के थे। जो बीएसपी के कुछ काम बताए, जो विड्रॉल जो है वो कैंडिडेट या जो इलेक्शन एजेंट होता है उसका प्रपोजल अगर उसको ऑथराइज करते हैं तो जो उसके लिए प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसमें भर के अपना कैंडिडेट से विड्रॉ कर देते हैं। कुल मिलाकर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख को अपना नाम वापस लेकर बसपा उम्मीदवार ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने किसे अपना समर्थन दिया है फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि रोहतक राज्य की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में शामिल है, जहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी के अरविंद शर्मा के बीच ही माना जा रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।